हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा एक आसान ट्रिक जिसके माध्यम से आप YouTube चलाने में बहुत ही आसानी होगी। इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना है, बहुत ही सरल और स्वीट है। आप सबसे पहले YouTube को अपने डेस्कटॉप वर्जन के साथ मोबाइल में लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे आपके पास जो अभी YouTube चल रहा है वो मेरे में हिंदी चल रहा है। आप यदि आपके मोबाइल में होगा तो वो इंग्लिश मीडियम में बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। यदि आप उसे अपने लैंग्वेज, आप जो आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज के अनुसार, अपनी जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के अनुसार देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक मोबाइल को सबसे पहले डेस्कटॉप वर्जन के साथ लॉगिन करना है अपने यूट्यूब चैनल को। यूट्यूब चैनल जैसे ही आपका डेस्कटॉप वर्जन के लॉगिन होता है तो आप देखेंगे उसमें एक दो अपना चैनल का आइकॉन है, वो आपको दिखाई देने लगेगा जैसे ही आप डेस्कटॉप वर्जन करते हैं। तो इसमें देखेंगे आप, इसमें देखो डेस्कटॉप वर्जन आप लोगों को दिखने लगा होगा। अब डेस्कटॉप वर्जन पर आप उस जो आइकॉन दिख रहा है उस आइकॉन को आपको ओपन करना है, टच करना है। मतलब जैसे आप करेंगे तो आप नीचे आएंगे, देखो उसमें दिखेगा आपको भाषा हिंदी। तो आप इसमें इंग्लिश में रहेंगे तो इंग्लिश में लैंग्वेज दिखाई देगा। आप आके इसमें अपनी जो मनपसंद लैंग्वेज है, आप जो लैंग्वेज में हैं वो लैंग्वेज आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार देखो मैंने चेंज कर दिया, अब हो गया ये इंग्लिश। इसी प्रकार आप चाहें तो अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में YouTube को चला सकते हैं। जिसमें होगा क्या दोस्तों, आप लोगों को इसमें चलाने में, आपके जो ऑपरेट करने में, खासकर जो क्रिएटर स्टूडियो हो जिसमें जो YouTube के नए नए अपडेट्स आते हैं, उन अपडेट्स को आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इस प्रकार यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। धन्यवाद।